हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम मेरा मूड ठीक नहीं है एंड मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। हम लोग आए हुए सुबह सुबह नहा धोवा के एकदम, मतलब मैं फ्रेश होके जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए। मैं तो वीडियो करने का भी मेरे पास टाइम नहीं मिला मुझे, तो हम लोग यहाँ आए हैं मेरी मौसी सास को लेके, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसी को लेके आए हम लोग। उनका कान का ऑपरेशन हुआ था 2-3 दिन पहले ही, तो आज उनका वो जो पट्टी होता है कान में, वो खोलने का डेट था, तो आज वो खोलने के लिए आए हम लोग उनको लेके। तो फिलहाल हम लोग वेट कर रहे गाड़ी में। आज मुझे पता नहीं सुबह से ही, क्योंकि मैंने आज सुबह पराठा और ऑमलेट खाया था, तो जब से मैंने वो खाया है तब से ही मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा है। मतलब उल्टी मुझे होता नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा वोमिटिंग, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो मुझे बहुत अंदर से मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब लग रहा है। तो मैं लास्ट तक मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं, क्योंकि मुझे गाड़ी में सफोकेशन हो रहा था। तो ये देखिए, यहाँ पे ये कल्याणी है, जो लोग कोलकाता में रहते हैं कल्याणी साइड में जो लोग रहते हैं नदिया की तरफ, उन लोग को ये पता होगा। हाँ, यहाँ पे मौसी और मम्मी गई हुई हैं, मेरी सास और मौसी सास दोनों, वो लोग गई है। हम लोग गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं फिलहाल। तो हम लोग फिर लास्ट में क्या हुआ कि डॉक्टर दिखाते निकलते निकलते हम लोग का टाइम हो गया, 1:30 बज गया था। तो फिर मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, इसके वजह से मैंने कहा कि चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि शायद मेरा खाने की वजह से ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। तो फिर हम लोग ने हाजमोला मुझे लिया भी था, तो मैंने हाजमोला खाया, तो मेरा तबीयत ठीक हो गया। मेरा यहाँ पर नबिया फ़ोन गिरा दी थी, तो इसके वजह से थोड़ा सा ब्लैंक हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पर नबिया जो है वो आते वक्त, इसको कहते हैं आम सुत्तो, मंगला में कहते हैं। अब मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे तो इसको आम सुत्तो कहते हैं बंगाल में। तो यहाँ पे सबका ही देखिए हालत, मुंह देख के लग रहा है कि कितना दुखिया सबको बैठा हुआ है। ये मौसी है जिनका कान का ऑपरेशन हुआ था, आज ड्रेसिंग हुआ उनका, तो कान का पट्टी खुल गया, ये देखिए इसी कान का हुआ था। तो यहाँ हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्डर दे दिया था। तो हम लोग ने कहा कि हम लोग नॉर्मल खाना खाएँगे, कोई स्पाइसी कुछ नहीं खाएंगे। तो हम लोग नॉर्मल राइस थाली जो होता है राइस का, वो हम लोग ने ऑर्डर किया था। यहाँ पर नबिया अपना काम किए जा रही है आम सुत्तों के साथ, खा रही है आम सुत्तों। यहाँ मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने अपने लिए पुलाव और चिकन कसा मंगवाया था, जो पुलाव बहुत ही मीठा था, मैं तो एक चम्मच भी नहीं खा पाई थी। यहाँ पे मौसी का आ गया था, मौसी ने अपना मछली का थाली ऑर्डर किया था, तो उनका मछली का थाली आ चुका है। और हमने, मैंने और मम्मी ने एक करी मंगाया था, एक करी का थाली जो होता है वो देखिए, आलू का भाजी है, ये भिंडी का सब्जी है, ये दाल है, ये सुक्तो है, ये अंडा का करी है, ये चावल है। तो सुक्तो बहुत कोई को नहीं पता वो क्या होता है, सुक्तो ये बंगाली डिश होता है। सुक्तो बहुत स्पेशली बंगाली लोग उसे खाता है। तो ये कल्याणी का रेस्टोरेंट है ढाकेश्वरी, जहाँ पे हम लोग आए थे। तो खाना बहुत ही अच्छा था। आप लोग कोई रहते हैं यहाँ पे, किन्हीं को नहीं पता है कि कोई नहीं आए होंगे कल्याणी में, अगर जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ये यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हैं, यहाँ खाना बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम लोग चल दिए हमारे बैंक का काम के लिए। आप लोग भी सोच रहे कितना बैंक का काम करती है, तो बैंक का काम तो 1-2 दिन में कभी ख़त्म होता नहीं है। तो हम लोग सब कोई उन लोगों को गाड़ी में बैठा के, मैं और मेरे हस्बैंड बैंक का काम करने चले गए थे। जैसे मैंने कहा था कि बैंक में वीडियो करना अलाव नहीं था, इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, बट बैंक में बहुत टाइम लग गया। अभी शाम के 5:30 बज रहे, तो सब कोई का चाय पीने का मन कर रहा था, तो बैंक की जहाँ था वहाँ के नीचे ही हम लोग ने चाय पीने आए थे। यहाँ पर नबिया के दुखिए वो पूरा लटक गई अपने पापा के कंधे में, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये मूवमेंट, तो मैंने इसे कैच कर लिया। तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ, वो लोग वहाँ पे खा रहे थे झालमुड़ी और हम लोग यहाँ पी रहे थे चाय। ये थी मौसी और मम्मी जा रही है बैठने के लिए, तो जो लोग बैठे हुए थे उन लोग को मम्मी लोग ने उठा दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो चाय है वो बाहर में पीने का तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। मैं चाय नहीं पीती हूँ नॉर्मली नहीं पीती हूँ, बट मैंने फिर भी ट्राई किया आज। सो यहाँ के बाद फिर हम लोग ने बैंक का काम ख़त्म किया, तो हम लोग फिर घर चले गए। रात 8:30 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए। वो उसके बाद फिर मैं रेस्ट करने लगी, तो मैं उतना सूट नहीं कर पाई। सो हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आज का, जरूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।